मर गया, जल्दी कर। अरे ये लेके जा, कहाँ बीच में आ गई, भरी दोपहरी में मटका लेके हाथ। अरे तेरा सत्यानाश है, मेरा घड़ा क्यों फेंक दिया तूने? हाँ घड़ा कैसे नहीं, फिर तुझे भी फेंक दो, एक बार होगी तो सीधी हो जाएगी। अच्छा तुम्हें दो बार होगी तो 15 दिन तक लेके फेंक बैठी रहो। अरे हट यहाँ से, मुझे पानी। अरे अरे झगड़ा बंद करो, पानी बंद हो गया। पानी भी बंद हो गया, बंद हो गया। देखो नल के पास पानी के लिए कुत्तों की तरह आपस में झगड़ा मत किया करो, जाके मैनेजर से पूछते। चलो हाँ चलो चलो अंदर आ जल्दी। क्यों भाई, सुबह सुबह मटके लेकर पानी का प्रोग्राम बनाया है? आज हम फैसला करके ही जाएंगे, एमडी जी को बाहर बुलाइए। बल्बपुर स्विच के बीच फ्यूज की तरह हूँ मैं, तुम्हारी समस्या क्या है मुझे बताओ, मैं जाके मालकिन से बताता हूँ। मालिक और मजदूर के बीच में ब्रोकर की कोई जरूरत नहीं है। हे, अपने औकात में रहना सीख, वॉचमैन इन सबको बाहर निकाल दो। इतने लोगों को निकालेंगे, इतने सारे लोग हैं, चलो चलो बैठ जाओ। इस तरह शोर क्यों मचा रहे? नमस्कार, पानी के लिए सब लोग तड़प रहे हैं मैडम, नल में एक घंटे के लिए भी पानी नहीं आता। हम लोग आपके यहाँ मजदूरी करते हैं मैडम, हमें पानी दिलवाइए। तुम लोगों ने अपनी प्रॉब्लम मुझे बता दी, उसे कैसे सॉल्व करना है ये मैं सोचूंगी, अब तुम लोग जाओ। हेलो पुलिस स्टेशन, हमने पानी मांगा और आपने हमारे लिए पानी मंगवा दिया, 100 साल जिए मैडम आप। ठहरो, ये पानी तुम्हारे लिए नहीं है, स्विमिंग पूल में भरने के लिए है। पीने के पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं और आपको तैरने के लिए पानी चाहिए? तुम लोगों को पीने का पानी चाहिए ना। मैनेजर, हमारे स्विमिंग पूल से जो पानी निकाला है उसे इनकी कॉलोनी में भिजवा दो। वाह वाह, क्या नसीब पाया है, छोटी मालकिन और मालकिन के नहाए हुए पानी पीने से छूत की बीमारी दूर हो जाती है और इत्र की महक भी आती है उससे। अगर तुम्हें इतना ही नाज है तो इस पानी से दिन में 100 बार नहा लो, लेकिन ऐसी गलत बात हरगिज न करना। इनसे हमारा क्या लेना देना है, टैंकरों को हमारे मोहल्ले में कैसे लेना हम जानते हैं। हाँ, चलो, 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 चलो। कितनी देर हो गई पुलिस को भेजने में, वो लोग आ रहे हैं या नहीं? नहीं तो कमिश्नर को फोन कर दूंगी। मम्मी, इन गरीबों की कंप्लेंट क्यों करती हो? आई डोंट लाइक इट। गरीबों को हमेशा अपनी मुट्ठी में और जूती के नीचे दबा के रखना चाहिए बेटे। यू आर मिसगाइडिंग माय मम्मी, आई डोंट लाइक इट। मामा जी, इससे कह दीजिए कि रुपयों से प्यार करें, गरीबों से नहीं। गरीबों से प्यार करने का मतलब है परमात्मा से प्यार करना। क्या? मैंने भगवद गीता में पढ़ा था। एक मांगने वालों को बुला के नौकरी दे तो हक की बात करते हैं तुम लोग। देखिए हम लोगों ने तनख्वाह या बोनस की मांग नहीं की है, पीने के लिए पानी मांगा है बस, क्या जुर्म है? जुर्म है। अच्छा पानी चाहिए, ऐ दे दो, चलो। घर पर हमला करने वालों को भला कैसे छोड़ सकते हैं एसआई साहब, मेरी बहू से पूछो तो वो भी यही बोलेगी। जरूरत नहीं है, कह दीजिए कि जब तक मैं नहीं कहूंगी किसी को ना छोड़े। सुनो, पोटा एक्ट के तहत इन सबको परमानेंटली अंदर करवा दे क्या? कहीं पोटा हम पे ना लागू हो जाए। ज्यादा मत बोलो, मामा जी आप अपना काम संभालिए। देखिए एसआई साहब, माधुरी अभी तक नहीं उठी। छोटी मालकिन बेड कॉफी पीकर कप के नहाने के लिए चली गई। बेड कॉफी नहीं, भाषा सुधार ले अपनी, बेड कॉफी हो, कॉफी ही तो है। नहाने के लिए यानी उसका दूसरा मतलब भी है, कहो स्नान करने गई है। मेरी बात ठीक है जी, तुम्हारी अकल घास चरने गई है। अच्छा ये बताओ तुम नहाई हो कि नहीं? अरे चुप माधुरी। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। मॉर्निंग हरिया, मेरे लिए ब्रेड टोस्ट ऑमलेट ले आओ, कम ऑन कम फास्ट। क्या है मॉम? वेट देखना है। हरिया जानता हूँ, ला रहा हूँ। व्हाट मॉम, हर हफ्ते वेट क्यों चेक करवाती हैं? पता नहीं ये वेइंग मशीन किसने बनाई। बनाई किसने मैं नहीं जानता, लेकिन खरीदने वाली तुम्हारी मम्मी है। लाया जी, आओ जी चढ़ के दबाओ जी। कम ऑन। ओफ मॉम। अरे बाप रे, पिछले हफ्ते 49 किलो की थी, इस हफ्ते 50 किलो की हो गई। व्हाट, 1 वीक में 1 kg बढ़ गया? हरिया बेटी का वेट बढ़ा तो जानता ना कि तुमसे ही सवाल करूंगी, आखिर खिला क्या रहे हो मेरी बेटी को? जो मैं खिलाता हूँ वही थोड़ी नहीं खाती है, कॉलेज जाते हुए आइस फ्रूटी खाती होगी, लौटते वक्त स्वीट खाती होगी, ये सब खाने से वेट नहीं बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगी। शट अप, माधुरी की डाइट के विषय में केयरलेस रहोगे तो नौकरी से निकाल दूंगी। मैं अकेले कितने काम करूं, वो तो सुबह से शाम तक श्रृंगार ही करती रहती है, मदद हरगिज नहीं करती। एक और लड़के को तो आप रखते ही नहीं। हाँ, जो भी लड़का आता है वो तुझे देख के भाग जाता है। सुनो एक काम करो, गाँव तो जा ही रहे हो, साथ में एक लड़के को लेकर आ जाओ। ऐसा लड़का लेकर आना जो हमारी बात अच्छी तरह से सुन ले। ये बात अंडरलाइन कर लेना। सब ऐसा हो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है मैं चलता हूँ, खर्चे के लिए 200 रुपए दीजिए। 200 रुपए? बस में 50 रुपए ही तो लगते हैं। मामा जी कहो। इसे 100 रुपए दे के भेज दीजिए।
हाय रब्बा, 100 रुपए दिए कंजूस कहेंगे, 100 रुपए में क्या होगा? बाप रे, 1000 रुपया का नोट। सूप कैसे बनता है जानता हूँ, ऑमलेट कैसे बनता है ये भी जानता हूँ, लेकिन ये लड़की इस घर में कैसे पैदा हुई नहीं जानता। 100 साल जियो बेटी। ये क्या, इतने लोग खींच रहे हैं फिर भी नंदी हिल नहीं रहा है? इसके लिए नसीब चाहिए, कभी कभी 1000 लोग भी खींचे तो भी नहीं हिलता। यानी हमारे गांव में नंदी को खींचने वाले कोई मर्द है ही नहीं क्या? तो पड़ोस वाले गांव से क्यों नहीं बुला लेते? मैं खींचूंगा। अभी तो दूध के दांत टूटे नहीं, चले नंदी खींचने के लिए। हेलो, जानते हो शिव धनुष को राम ने इसी उम्र में तोड़ा था, मेरे दादाजी कहते हैं। तुम साइड हो जाओ। तुम सब हटो, मैं खींचता हूँ। क्यों भाई, मजाक सूझ रहा है? नहीं, उस परमेश्वर का सत्कार कर रहा हूँ, उनके नंदी को उनके पास ले जाऊंगा। हर हर महादेव। तुम कौन हो नहीं जानता, मगर नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करने के लिए पूरे गांव ने हाथ मिलाया तो ये नंदी नहीं लाता बेटा। बड़े किस्मत वाले हो, नाम क्या है बोलो? असली नाम राम है जी, गांव के लोग मुझे शरारती रामू कहते हैं। मेरी दादाजी तो मुझे अग्निपुत्र कहते हैं, मुझ में जरा फायरिंग ज्यादा ही है। मैं चलता हूँ जी। ए छोकरे, देखने में तो भीम जैसे लगते हो, यहाँ क्यों आए हो? काम की तलाश में आया हूँ, हर गाँव मेरा ही है। तुम्हें काम में दिलाऊंगा, चलोगे? वाह, त्योहार के दिन मिठाई जैसी बात कही, चलो मुँह लाल कर लेते हैं। कोलकाता का पान, बनारस का पान, आजा ले ले कोलकाता का पान। अरे 50 पान के पत्ते देना। सारे पत्ते पक गए, कोई भी खाने के लायक नहीं है। ये क्या है भाई? 2 रुपया है भाई। जानता हूँ भाई, 2 रुपये में पान नहीं आता है। किस स्टेट के हो तुम? अरे कलकत्ता का पान बेचता हूँ, लेकिन मैं आंध्रा का हूँ। आंध्रा वाले होकर क्या बकवास कर रहे हैं? इस राज्य के एक महान पुरुष ने 2 रुपयों में 1 किलो चावल देकर भूखों की भूख मिटाई थी। उनका दिया हुआ खाना खाकर बाद में खाने वाला पान 2 रुपये में नहीं आता, ये बात अगर वो जान गए तो वो खुद ऊपर से नीचे आकर तुम्हारी इतनी पिटाई करेंगे कि तुम इस शहर को छोड़कर भाग जाओगे। अब भूल गया था भाई, देवता थे। नमस्कार। ये क्या भाई, इतने सारे छेद, इसमें कोई अकलमंद लेगा क्या इसे? इस पत्ते को देख रहे हो भाई, जैसा पत्ता तुमने दिया वैसा ही नोट मिलेगा। ये तो नेले पे देला निकला, फिर भी देख लूंगा। क्यों रे, अक्कल ठिकाने नहीं आई? कलकत्ता का पान, बनारस का पान, आओ भाई पान खा लो पान। अकाउंट्स कुछ ठीक नहीं लगते मामा जी। ये तुमने क्या कह दिया, मैं तुम्हारी माँ का सगा भाई हूँ, यानी कि तुम्हारा मामा हूँ। कलर ब्लैक है लेकिन कैरेक्टर ब्लैक नहीं है बेटे। फर्श बहुत चिकना है, संभाल के। नमस्ते मैडम। कौन है ये? नया नौकर है, 100 लोगों ने मिलकर खींचा तो भी नहीं हिला था नंदी, उसे इसने खींचा है। छोकरे में बहुत दम है इसलिए ले आया। अरे बापी, कोई मुझे बचाओ। अरे कुत्ता, अरे कुछ नहीं करेगा वो। अरे छोड़िए, ये बात आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन वो तो नहीं जानता है ना। अरे अरे जाओ, मैं तुझे बताइए। अरे संभाल के। अरे आ गया। अरे दादाजी, अरे माजी माजी, कहाँ गए? मुझे बताइए, बचाइए तुझे। अरे अरे बच गया। कुत्ते को देख के डरने वाला तू काम क्या करेगा? मालकिन, बस मेरी और कुत्ते की थोड़ी बनती नहीं है। ये हाथ देखा, ये मामूली हाथ नहीं है, किसी के हाथ का झटका लगा तो दुनिया नजर आ जाएगी।
इस बेचारे कुत्ते पर क्या अपनी ताकत आजमाऊं, इसलिए बस चुप रहा। इतनी पावर है तेरे हाथ में, झटका लगे तो पता चलेगा ना। हमारे मैनेजर को मारो तो जानो। मुझे क्यों, तुम मर्द नहीं हो? मुझे लगता है डर गया। छोड़ दो, मुझे कैसा डर, मारो। ये कौन माइकल आले, मार खाने के लिए तैयार है? ये जन्म से ऐसा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। ओहो, पैदाइशी आदत है। जय बजरंग बली की। अरे रे रे रे, ये क्या, हमारे मैनेजर को इसने फ्लैट कर दिया। ये तो डेट हो गया। हाँ। मैं क्या करूं, उसने खुद कहा था मारने के लिए, मुंह पे पानी का छींटा मार दो, खुद उठ जाएगा। ए, रुको 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 रुको, ये क्या, एक बोरी को चार लोग ले जा रहे हो? गेहूं की बोरी है, यहाँ गेहूं की बोरी को चार लोग उठाते हैं? अबे तुम लोग गेहूं खाते हो या घास खाते हो, उतारो। ए, हट जाओ तुम लोग। बाप रे, किस चक्की का आटा खा के बॉडी बनाई है, आसानी से उठा लिया। ए, कहाँ रखना है? चल आ जा। तुमने जैसा नौकर चाहा था वैसा नौकर मिल गया, रख लो, काम पे रख लो। तुम्हें सैलरी कितनी चाहिए? 300। बेचारा लगता है हिसाब नहीं जानता, उसे 3000 चाहिए। बंद करेंगे। इतना घमंड है तुझे, मालकिन को मम्मी कहती है? इसे क्या हो गया? कुछ नहीं, शॉक लग गया। मैंने कहा था ना बाबूजी, मेरे हाथ में करंट है, अभी मैंने पॉजिटिव लगा दिया है, इसीलिए इस तरह अकड़ गई। नेगेटिव लगा दूंगा तो रिलीज हो जाएगी। बिना देरी किए नेगेटिव लगा दो भाई। जानते हो ये कौन है? नौकरानी। बुद्धू, वो मेरी बेटी है। मजाक मत कीजिए, ये आपकी बेटी हो ही नहीं सकती, आपकी छोटी बहन लगती है। इस बात को कोई समझता ही नहीं, वो मेरी डॉटर है। अर्ली मैरिज, अर्ली कंसीविंग। मैं ब्यूटी पार्लर जाके स्लिम हो गई, लेकिन ये आइसक्रीम पार्लर जाके मोटी हो गई। मॉम, ये बात आप इससे क्यों कह रही हैं? इसको तो मैनेज से नहीं आते, कौन है ये? कहाँ ना नौकर है, मार खा के भी पड़ा रहने वाला चाहिए था ना, इसलिए ले आया। हमारी मार सहने वाला चाहिए, ना कि हमें मारने वाला। मैंने जानबूझकर नहीं मारा मालकिन, मेरे दादा ने यहाँ से पहले मुझे कहा था, देखो मेरे पोते, तुमसे कोई टक्कर ले नहीं सकता, बात बात पे जय बजरंग बली कह के मारते हो, ये अच्छी बात नहीं है। फिर भी मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं चलता हूँ। अरे रुको भाई, मैं चलता हूँ। सुनो, गबरू जवान है, काम का आदमी है, उसे वापस भेज रही हो। ए, रुको, सारे घर का काम करना पड़ेगा, करोगे? घर का काम, बाहर का काम, अंदर का काम, मैं सब करूंगा, चाहे काम जैसा भी हो, मैं हंसते गाते पूरा कर दूंगा। तुम्हें नाचना बजाना आता है? नाचता भी हूँ, क्यों आजमाना चाहते हो? मुझे बढ़िया से फोक सॉन्ग सिखाओगे? इसलिए मैं कॉलेज में ड्रेस कॉम्पिटिशन में भाग ले रही हूँ, ये वही गेटअप है, मैं और मेरे फ्रेंड्स 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डांस सेट नहीं हो रहा है, तुम सिखाओगे? ऐसा सिखाऊंगा, कप नहीं जीता तो नौकरी से निकाल देना, ठीक है? ठीक है भाई, जरा गाओ तो मेरी बेटी सीख लेगी। देखा मेरी बेटी को, कितना बड़ा कप जीत के आई है। और आप भी हैं, कभी कुछ जीत के दिखाया है? कभी खेलने दिया हो तो ना जीतने के लिए। रामू, ये तुम्हारा है। नहीं नहीं, इसे आपने जीता है। जितवाने वाले तो तुम ही हो, इसीलिए ये कप मेरा नहीं, ये तुम्हारा है। थैंक यू वेरी मच। मालकिन, पकड़ने वाली आपकी बेटी है, हिलाने वाली आपकी बेटी है, छोड़ना भी आपकी बेटी को है। हाथ हटाओ। व्हाट मॉम, इसकी वजह से ही तो मैंने ये कप जीता है, इसे डांटो मत, ही इज इनोसेंट। मॉम, इसे कुछ दे दीजिए। ओके, ए, चल तुझे कुछ दे देती हूँ। वेरी गुड, कितने हजार? ऊपर से कुछ। ऊपर से कुछ? आपने क्या कहा? हाँ, ऊपर से कुछ कहा। ये मेरी तरह ओरिजिनल सोने का कप है ना? अरे सोने का नहीं, सोने का पानी चढ़ाया गया है। क्या? पानी? वही रे, तुम्हारी मालकिन जैसे पाउडर क्रीम लगाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। 24 घंटे में मुंह खोले, तुम खूबसूरत हो, जवान हो, मैं जानता हूँ, लेकिन कल तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ओ, उ, उ, उ। समझ गए तो ठीक है। हरिया, हरिया, ए हरिया, हरिया, हरिया को हीरिये नहीं बुला सकते? तुम्हारी फिगर के हिसाब से बुलाना ठीक नहीं होगा। ले सिलेंडर पकड़। मर गया भगवान। सब लोग सिलेंडर फटने से मरते हैं, मैं तो उसके नीचे दबके मर गया। ए रामू जी, इधर आओ। जी अभी आया। कहिए बात क्या है? कौन से जिम में एक्सरसाइज करते थे? क्या जिम?
क्यों, ये जिम की बॉडी नहीं है? ये जिम की बॉडी नहीं है, मेरी पिता की दी हुई बॉडी है। वाओ, पिता की दी हुई बॉडी इतनी स्ट्रांग है क्या? माधुरी, मॉम देखो ना रामू की बॉडी कितनी स्ट्रांग है। एक्सरसाइज बहुत हो गई, अब तुम अंदर जाओ। ओके। ए यहाँ क्या है मालकिन? बिना शर्ट के एक्सपोजिंग किस लिए? क्या कहूँ मालकिन, एक ही शर्ट थी वो भी फट गई। मुझसे पैसे मांग लेते। किस मुँह से मांगता बोलिए, वैसे ही आप में साल में 300 रुपए पगार जो दे रही हैं। कोई बात नहीं, हमारे कपड़े की दुकान से 4 जोड़े कपड़े ले लो। मालकिन आप पहले कहेंगे मेरी कपड़े की दुकान से कपड़े ले लो, फिर मेरी पगार से काट लेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं रे, वो लोग मुफ्त में दे देंगे। साहब जी क्या हुआ? कितने दिन हो गए तुम्हारे मालकिन के मुँह से मुफ्त सुन के। आप मुँह बंद करेंगे? यानी खाना खाने के अलावा दूसरे समय मुँह नहीं खोलूं? जम्हाई लेते वक्त खोल सकते हैं। कितनी आजादी मिल रही है। अरे आजा आजा आजा, तेरी मालकिन का मूड बदलने से पहले फ्री में कपड़े ले ले। मैं जा रहा हूँ। जा जा। अभी मिला था, मिलने के बाद 1 मिनट भी देर नहीं करता, ये आप जानती है ना। नमस्ते। 1 मिनट। नमस्ते नमस्ते, बैठिए बैठिए। अगर वो कुर्सी पे है तो मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। अरे गवर्नमेंट को चलना है या नहीं उन्हीं से पूछ लो। फिर से उसने फोन किया तो मुझे कनेक्शन मत देना। समझ गए ना, रखता हूँ। तो बोलिए परमेश्वर राव जी, क्या बात है, कैसे आना हुआ? मैं सिर्फ साथ में आया हूँ, मेरी पत्नी आई है। क्या बात है, एनी प्रॉब्लम? परसों एक फंक्शन में आपके बेटे को देखा था, हमारी माधुरी और उसकी जोड़ी खूब जमेगी, उसी के बारे में आपसे बात करने आई हूँ। मेरा बेटा आपको पसंद है, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी बेटी को मेरा बेटा पसंद करता है ना? आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, हमारी बेटी को अगर भेजेंगे तो मिस इंडिया में फर्स्ट आएगी। आपका एक पावर प्रोजेक्ट पेंडिंग में है ना शायद? जी हाँ। आप अभी पावर प्रोजेक्ट के लिए आई है या बेटी के बारे में बात करना? वो भी एक कारण है। यही असली कारण है, यही सोच रही हो कि इसे कैसे पता चला? पॉलिटिकल लीडर अपनी हेल्थ से पहले बगल वाले की हेल्थ कैसी है ये वो देखता है, अपनी वेल्थ बगल वाले की वेल्थ से कितना कट हुआ जान लेता है। एक बात सुनी होगी, शिव की 3 आंखें हैं तो हमारी 3000 है भाई। उस नई फैक्ट्री की बात बाद में, पहले जो फैक्ट्री है उसे बचा लो मैडम। यानी मेरी पत्नी ने जो पावर प्रोजेक्ट की बात की है उसको छोड़ दे। भगवान इंसान को 100 साल की आयु देता है तो वोटर हमें 5 साल की ही आयु देता है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों लोग लाइन में खड़े हैं। मगर हमारी बेटी की शादी की बात, इस वक्त मेरे बेटे की बोली 25 करोड़ की है, तुम्हारी सारी जायदाद बेचो तो भी। अब हम चलते हैं। चामुंडेश्वरी। अब कहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो मार पड़ रही है। चलो नजदीक जाकर देखते हैं क्या ड्रामा है, चलो हम भी कुछ करते हैं, चलो चलो। मारोगे? कितने लोगों को मारोगे? तेरी ये हिम्मत, पुलिस से भी नहीं डरता, लाठी पकड़ेगा। डर? हमारी घर की कुतिया भी डर नाम नहीं जानती। नहीं छोड़ोगे तो लाठी टूटेगी। इस तरह लाठी तोड़ दी तुझे तो। रहने दीजिए, नहीं तो बेल्ट टूट जाएगी आपकी। ये है हमारी पावर सर, जब गरीबों को अरेस्ट करने में हमारे लोग इतना जोश दिखा रहे हैं, अगर गोली चली तो जय बजरंग बली बोल देंगे, फिर सोच लीजिए क्या होगा। सर हमारे लोगों से मैं बात कर लेता हूँ, मुझे एक चांस दीजिए। ठीक है। चामुंडेश्वरी। ठहरो भाइयों, ठहरो ठहरो, मैं भी आपकी तरह एक मजदूर हूँ, अभी अभी काम पे लगा हूँ, अगर मुझे एक मौका मिला तो आपका मैटर मालकिन से बात करके सेटल करा दूंगा। ठीक है गुरु। मालकिन जी पानी की समस्या को लेकर ये लोग जेल तो खोए हैं, थोड़ी देर और चुप रहेंगी तो पुलिस वाले फायरिंग चालू कर देंगे। समझ लीजिए 2-3 अगर मर गए तो कल सुबह अपोजिशन वाले असेंबली में हंगामा कर देंगे, बस तब तो आपकी फैक्ट्री बंद, ये आपको अच्छा लगेगा? ये बात नहीं है, मेरे पास काम करने वाले मुझे पर अटैक कर रहे हैं। ओहो, रहम करेंगे तो पैर पकड़ेंगे, यही तो इन गरीबों का करैक्टर है। और एक बात मैं आपको बताऊं, गरीब लोग गेंद की तरह होते हैं, इस तरह आपके हाथ में रखेंगी तो मुलायम रहेंगे, जमीन पे पटक कर मारेंगी तो उछल कर सर पे गिर पड़ेंगे। ठीक है तो क्या करें बोलो? ये लोग आखिर क्या मांग रहे हैं, नौकरी, और जिस दिन काम नहीं करते उस दिन की तनख्वाह, कह दीजिए फिर नौकरी मिलेगी। मगर वो लोग माने तब ना? आप हाँ तो कहिए। भाइयों, मैडम जी आपसे कुछ कहना चाहती हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तुम लोगों ने जितने दिन काम नहीं किया उसके पैसे नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारी नौकरी तुम लोगों को वापस मिल जाएगी। चामुंडेश्वरी जिंदाबाद। चामुंडेश्वरी। और बोलो और। ये क्या रामू, जिंदाबाद कह रहे? यही तो है मैडम गरीब का करैक्टर,
आधा पेट भर दीजिए बस, हजम होने तक जिंदाबाद बोलते रहेंगे। और बोलो और बोलो। और साथ ही ये कह दीजिए सारे केसेस माफ करवा देंगे। तुम लोगों के सारे केसेस भी माफ हो जाएंगे। देवी चामुंडेश्वरी जी की जय हो। और हाँ, साथ में पीने का पानी भी आ जाएगा। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, क्या कह दिया? जबान फिसल गई। तुम्हारी भी जबान फिसलती है ना, कहो दे दूंगी। कह दीजिए, कह दीजिए। देखिए कल से आपकी कॉलोनी में पानी भी आ जाएगा। सुनो, तुम धोखे में पड़ रही हो। अब कुछ मत कहिए, एक दिन भी इस तरह जिंदाबाद के नारे लगवाए। सुनो, मेरा कलर ब्लैक है लेकिन मेरा कैरेक्टर बिल्कुल ब्लैक नहीं है। ठीक बोला, कलर में कृष्ण, कैरेक्टर में कंस। अरे अरे, उठाने दो, उठाने दो, कमर टूट जाएगी भाई। नौकरों को गोद में उठाने से मना किया था, देखो तो कैसे तड़प रही है। मेरी कमर में दर्द है। देखिए सब, उन्हें कम से कम 6 महीने बेड रेस्ट की जरूरत है। नहीं नहीं, 2 महीने काफी है। उन्हें सीवियर पीठ का दर्द है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। मतलब इस बहाने हॉस्पिटल में एडमिट करवा के पैसे हटना चाहते हैं? Who is it? I is Ramu. मैं किसी से कम नहीं हूँ, सालाना 300 रुपये पगार लेता हूँ मैं। मैडम की कमर 3 मिनट में ठीक कर दूंगा मैं। क्या जान निकाल के? हेलो, जान देना जानता हूँ मगर जान निकालना मुझे नहीं आता। तुम लोग यहीं रहो, 3 मिनट में देखो क्या होता है। रुको, कहाँ जा रहे हो? जिस दिन यहाँ आया तो क्या कहा था, घर का काम, बाहर का काम, अंदर का काम सब करना है ना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ अंदर का काम करने। तो चलो। हाँ, आप क्या जा रहे हो? मैं, जब कोई अंदर का काम करता है तो बाहर वालों को देखना नहीं चाहिए। आप यहीं रहना। ये क्या करने वाला है? दरवाजा क्यों बंद किया? आपके लिए तो बंद किया है। तुम क्या करने वाले हो? देर सब्र कीजिए ना। अरे ये क्या कर रहे हो, बिस्तर पर क्यों चढ़ रहे हो? बिस्तर पर चढ़ने में कैसे कर सकता हूँ? लेटा रहिए। हाँ, जय बजरंगबली की। बाप रे, क्या कर रहे हो? मेरी बात सुनिए, आंखें बंद कीजिए, घरेलू ले जाइए। किस लिए? मुझे सताइए मत, चुपचाप लगती है या नहीं? जय बजरंगबली की। हमारी शादी हुई 20 साल हो गया लेकिन ऐसी चीख नहीं सुनी थी। ऐसी क्यों चिल्ला रही हैं? चलो देखते हैं। मालकिन अब उठिए। अरे नीचे उतरिए। अब ठीक हो गई है मालकिन। अब जरा झुकिए, झुकिए। अब उठिए, बैठिए, फिर से उठिए। अब सब ठीक हो गया। जाके उस दरवाजे पे लात मारिए, मारिए, आइए, मारिए, मारिए ना। क्यों मालकिन, अब कैसे है? गाइस, इट्स गॉन। ये है बजरंगबली का कमाल। रामू, आज से तुम्हारी प्रमोशन पक्की। मालकिन, मैंने क्या जुर्म किया है? प्रमोशन यानी नौकर से हटा के बड़ा बना रही हूँ। अच्छा, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। अरे रुको, क्या हुआ? मैं बड़ा हो गया। अरे रुको रुको भाई, तुम बड़े हो गए हो। ओफो, रामू तो बड़ा हो गया है, न जाने मैं कब बड़ा होऊंगा। हाँ, अगले जन्म में कोशिश करना। इसीलिए तो मुझे गुस्सा आता है। जल्दी से नाश्ता तैयार करो वरना मैडम को गुस्सा आ जाएगा। रामू, क्या है मालकिन? इतने सालों से जो दर्द था उसे तुमने ठीक कर दिया है। ये लो, 500 रुपए रख लो। दादा, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आपने पैसे जो दिए, दादा की याद आ गई। अगर आप हाँ कर देंगे तो मैं जाकर दादा के हाथ में 500 का नोट रखकर जैसे जट से गया वैसे फट से वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। जय बजरंगबली की। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए मिले, जल्दी से जाकर जल्दी से वापस। रामू, मेरी माँ बड़ी कंजूस है, उस कमर दर्द के लिए आज तक 1,00,000 रुपये खर्च कर चुकी है लेकिन तुम्हें सिर्फ 500 रुपये दिए। ये 5,000 अपने दादाजी को दे देना। अरे बाप रे, आपके बॉडी में भी नहीं, आपके हार्ट में भी सुंदरता है। उसके बाद क्या कहते हैं? थैंक्स, मैं चलता हूँ। हेलो हेलो मामा जी, मैं रामू। तू कैसा है रे? मैं अच्छा हूँ। दादाजी को फोन दीजिए। दादाजी अभी बाहर गए हैं। ओफो, बाहर निकल गए? क्यों, इतना अर्जेंट है क्या? कुछ नहीं, मैं ट्रेन से वहाँ पहुँच रहा हूँ। दादाजी को बोल दीजिएगा भूलना नहीं। इंटरसिटी से ना? ठीक है, मैं बोल दूंगा। हाँ ठीक है, रखता हूँ। मैं जान गई। क्या है बेटी? रामू आ रहा है ना? नहीं तो, हमारे ऑफिसर आ रहे हैं इंस्पेक्शन के लिए। आपने रामू कहा था, मैंने सुन लिया। सुना है तो फिर क्यों पूछती है, वो सच में आ रहा है। अरे अरे अरे, कहाँ चले? नाग देवता को बताने।
शिव शंभू, शिव शंभू, ये क्या सांप से बात कर रही हो? सांप मत कहिए, आंखें चली जाएंगी। नागेंद्र हैं, मेरे फ्रेंड। मैं इन्हें प्यार से शिव शंभू कह के बुलाती हूँ। चल शिव शंभू, कुछ बोलते क्यों नहीं, उठे भी हो या नहीं? तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ए शिव शंभू, आज मेरा रामू आ रहा है, जानते हैं? आते ही रामू को बता दूंगी कि मुझे उससे प्यार है। क्यों री, क्या बताने वाली है? मेरे और शिव शंभू के बीच हजारों बातें होंगी, सब तुझे क्यों बताऊं? तू अपना काम देख। ये अंडा शिव शंभू को दे दे। अंडा फोड़ के डाल, नहीं तो मेरे शिव शंभू को चोट लग जाएगी। लाख लाख शुक्र है, नहीं तो ऑमलेट बनाने को कहती। ऑमलेट भी बनाओगी तो पीला मत डालना, उसमें चर्बी की वजह से दिल का दौरा पड़ सकता है। ये कैसा पागलपन है? लेकिन शहर में रहने वाला तेरा रामू गांव में रहने वाले तुझसे शादी करेगा क्या? शिव शंभू, ये रामू के बारे में कुछ कह रही है, इसे डस ले, पहले से डस। बाप रे, छोड़ दे लड़की, तेरा रामू तुझसे ही शादी करेगा। अरे देख, रेल के आने का समय हो गया। अच्छा शिव शंभू, बाय। ये तुम जानते हो, आज मेरा रामू आ रहा है। कहाँ गए ये? क्या सब लोग कहाँ गायब हो गए? क्या बताऊँ, लड़की ने फ्लैशबैक सुनाना शुरू किया। कहा देखा तो बहना, गाड़ी तो आ गई पर रामू क्यों नहीं आया? वो आ तो गया, मगर तुझे देख के डब्बे के उस तरफ से भाग गया। उसकी ये मजा। हाँ। बच गया, आ गई। लेकिन मुझसे पहले वो कैसे आ सकती है? अरे भाभी, इसकी मुझे देखकर हंसने की उम्र तो नहीं है। इसकी हंसी उसकी हंसी में डिफरेंस तो नहीं है? लगता है मुझ में कोई डिफरेंस है। साइड फ्रंट बैक सब कुछ तो ठीक है, फिर क्यों हंस रही थी? अरे बाप रे, अरे मुझसे पहले तू यहाँ कैसे पहुँच गई? इस गांव में तुझे एक रास्ता पता है तो मुझे 15। अच्छा ये बता, टोकरे के नीचे क्यों घुसी? तुझे अपने जाल में फंसाने। ए रुको नहीं, हंस मत। थोड़ी देर इस तरह हम दोनों अगर टोकरे के नीचे रहेंगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? हेलो, सिगरेट पीना छोड़कर आप मुझे कार की चाबी देंगे? तू कार ड्राइवर नहीं लगता? तो क्या घर का दामाद लगता हूँ मैं? इतना लालच मत कर, ये ले चाबियाँ। तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो है ना? रेशन कार्ड भी है, कहो तो दिखा दूँ। रास्ते में किसी ने पकड़ लिया तो दिखा देना। हेलो, बेहतर होगा एलबोर्ड लगा लो सेफ्टी के लिए। एलबोर्ड लगाना है या लव बोर्ड लगाना, ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। छोटी मालकिन आ रही है। ए, तू साइड हो जा, जाना अभी, जा, अरे जल्दी जा। आइए मालकिन, आइए। छोटी मालकिन पीछे बैठिए ना। शट अप, मैं जानती हूँ कहाँ बैठना है। रामू कार रुको, तुम इधर आओ, मैं गाड़ी चलाऊंगी। लाइसेंस है? लाइसेंस ड्राइवर के लिए, मेरे लिए नहीं। कम ऑन कम ऑन। ये मैं कहाँ फंस गया बाबू? मैडम, छोटी मालकिन आप इस तरफ आ जाइए, आइए जल्दी। उधर नीचे उधर, ये क्या किया तूने? एक्सीडेंट जी। अच्छा, इसे एक्सीडेंट नहीं कहते हैं? तुझे गाड़ी के टायर के नीचे कुचल के जाऊंगा तो वो एक्सीडेंट कहलाएगा, समझ गए? ए मिस्टर, गाड़ी उसने नहीं चलाई थी, मैंने चलाई। डॉटर ऑफ विजय चामुंडेश्वरी, माधुरी इंडस्ट्री। ओह आई सी, तुम हो, तुम्हें पहले नहीं देखा, ये मेरी बड़ी भूल थी। देखा होता तो मेरे पिताजी इतने बढ़िया ऑफर को कभी नहीं ठुकराते। What are you talking? इन दोनों उंगलियों में से किसी एक को पकड़। I won't touch you. मैं ट्राई करता हूँ ब्रदर। That's good. My God, ये उंगली पकड़ता तो तेरी पिटाई करनी पड़ती, और अगर ये उंगली पकड़ता तो माधुरी को चुम्मा देना पड़ता। बेबी आई कांट हेल्प इट, तुम्हारे ड्राइवर ने इसे पकड़ा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। हेलो ब्रदर, इन दोनों उंगलियों में से एक को पकड़ो, मैं बताता हूँ। मैंने पकड़ी थी ना, अब तुम पकड़ो कुछ नहीं होगा। पकड़ो भाई पकड़ो। Oh my God, इस उंगली को पकड़ते तो इसे किस करने की इजाजत दे देता। इस उंगली को पकड़ा, अब तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत है? मेरा गला पकड़ता तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलता,
लेकिन तूने मेरा कॉलर पकड़ा। देखिए ये सब घर पर मत बताना। ठीक है। ओफो, इट्स ब्लीडिंग। एक मिनट रुको। तुम मिनिस्टर के बेटे हो, ये जानकर भी उसने तुम पर हाथ उठाया। क्यों, तुम क्या चाहते हो, उसका मर्डर करवा दूं? नहीं डैड, उसे मेरे पैर पकड़कर माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, तुम पत्थर की मांग कर रहे हो। इतना ही नहीं, चामुंडेश्वरी जी की बेटी माधुरी के साथ मेरी शादी भी करवानी होगी। वो हमारी लेवल की नहीं है। माधुरी की ब्यूटी ऑल इंडिया लेवल की है डैड। सुनिए, ये हमारा इकलौता बेटा है, इसकी बात मान क्यों नहीं लेते? ओके, उसके लिए एक सीढ़ी क्या, 100 सीढ़ियां भी नीचे उतरनी पड़े, उस विजय चामुंडेश्वरी से मैं हाथ मिलाऊंगा। ए, निकल बाहर। क्यों सर? पहले थाने चल, फिर बताता हूँ। रामू को क्यों ले जा रहे हैं? तुम दखल मत दो, चाहे तो अपनी मम्मी से बात कर लो। हेलो। हेलो मम्मी, मैं माधुरी। पुलिस रामू को अरेस्ट करके ले जा रही है। मैं सब जानती हूँ, मिनिस्टर ने मुझे फोन पे बताया था। मैंने कहा जो जी में आए वो आप कर लीजिए। तुम ऑटो से घर आ जाओ। मॉम, आई डोंट लाइक दिस, आई एम गोइंग टू द पुलिस स्टेशन। माधुरी, हेलो। यही है हाँ? यस डैड। फिजिकल पावर के साथ मेंटल पावर भी है शायद। सर, इसकी खबर हम ले लेंगे, आप जाइए। इस बदमाश का सर झुका के मेरे बेटे के कदमों पर रख दो, वो पीठ देख कर मैं चला जाऊंगा। मेरा सर झुकाने की कोशिश की तो यहाँ सबके सर कट जाएंगे। मैं खाना खा के नहीं जीता हूँ, सारे देश की पॉलिटिक्स खा के जीता हूँ। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, असेंबली में बैठने के बजाय तुम पुलिस स्टेशन में बैठे हो तब भी मैं समझ गया। शट अप सर, आप जाइए, इसे मैं देख लूंगा सर। नो, मुझे डिस्कशन से एक्शन बहुत पसंद है, पहले उसका सर। सलाखों के पीछे से बात करने वाला नहीं हूँ, अब मुलाकात कोर्ट में ही होगी। सर, वो कोर्ट की बात कर रहा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? मौसी, बड़ा सा एक नारियल देना। ये क्या? जब चाहो जिसे चाहो रिश्तेदार बना लेता है। तुम्हें सासू तो नहीं कहा ना? जॉन ले लूंगी। ये क्या मौसी, ला मुझे दो। झटके से फोड़ा, पानी फवारे की तरह बाहर निकला है, इसलिए तो रामू मुझे पसंद है। ऐसे? एक और चाहिए? ये नहीं, गन्ना खाना चाहती हूँ। हाय भैया। चलो। लो खाओ। लेकिन इसे कैसे खाएंगे, चाकू तो नहीं है? भगवान ने इंसान को जब 32 दांत दिए तो चाकू की क्या जरूरत, लाओ दे दो। आ, 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 आ,
छे छे, उसका झूठा क्यों खा रही हो? कितना मीठा है मम्मी। स्टूपिड, उसका झूठा है। सो स्वीट। सच क्या? मुझे भी थोड़ा दो। बस भी दीजिए, छोटे लोगों की छोटी हरकतें हैं। बैठिए गाड़ी में। तुम भी मुझे गन्ने छिलके खिलाओ ना। गन्ने का छिलका नहीं, तेरी खाल धेड़ता हूँ। चले ऐसे। ओफो, अब क्या हो गया? लगता है ट्रैफिक जाम हो गया। हे भैया, क्या हो गया? आगे का ब्रिज टूट गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल सवेरे ऑफिसर्स की मेहरबानी होगी, तब आगे गाड़ियाँ बढ़ेगी। मगर सारी रात कहाँ बिताएंगे? लारी के नीचे थोड़ी जगह होगी, देखते हैं। आप जाकर सो जाइए। वो बिल्डिंग क्या है? आरएनबी गेस्ट हाउस है। आरएनबी गेस्ट हाउस यानी गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का यानी हमारा। चलिए आज की रात वहीं बिताते हैं। छोटे मार्ग के समझ के चलिएगा, कहीं से घर के गिर न जाइएगा। हाथ छोड़ो। माधुरी, माधुरी। बाबूजी, इस जंगल में जंगली जानवर भी होंगे ना? नहीं यार, सलमान और ऐश्वर्या हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, पता नहीं क्या हो गया इसके भेजे में। चल माधुरी। ए, टार्जन की तरह क्यों चिल्ला रहा है? जो जानवर सो रहे हैं वो भी उठकर हम पर हमला कर देंगे। मेरी बात सुन, एक घंटा यहाँ बैठ कर जाकर बोल देंगे वहाँ कोई नहीं मिला। ना जाने मुझे क्यों डर लग रहा है। मैं हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें डर रहा हूँ। बस चुप भी करो, तुम एक बात जानते हो? क्या? मैं जानबूझ के फिस ली थी। सच में? दादा चिल्ला मत। छोटी मालकिन, अपनी माँ को सताने का क्या यही तरीका है? कहाँ आके फंस गया? क्या कर रहे हो? लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ, जंगल में आग लगाने से जानवर पास नहीं आते, इसलिए। जानवर के नाम से याद आया, इस वक्त मेरी मम्मी क्या कर रही होंगी? जल रही होगी। माधुरी मिल गई। वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा है, इसलिए हम लोग वापस आ गए। वो रास्ता नहीं तो दूसरा रास्ता तो होगा। जंगल में जंगली जानवर नहीं, बोर्ड लगा हुआ है। जंगल में जानवर नहीं तो क्या इंसान होते हैं? फूल, मेरे फूटे करम, आप इस तरह बैठेंगे तो कैसे चलेगा? कुछ कीजिए ना, आधी रात होने को आ गई। मैं क्या करूं? तू हमेशा पैसे की बात करती है ना, सूर्य भगवान को 1,00,000 रुपए घुस देता ना, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा ही कहेंगे, इसीलिए मिनिस्टर साहब को ट्राई करी थी मदद के लिए। वो लाइन पर नहीं मिल रहे, सेल भी काम नहीं कर रहा है। भेजा तो काम कर रहा है ना, सुबह बस पकड़ के चले जाएंगे। माधुरी को छोड़कर कैसे जाएंगे? आप लोग इतना क्यों घबराते हैं? रामू बहुत अच्छा लड़का है, सारी रात बिटिया की देखभाल करेगा और सुबह ले आएगा। पहले कहीं देखा है? जिंदा भी है कि दोनों मिलके यहीं पे मर गए हैं? चलो देखते। उठो उठो, वरना मैं तुम्हें 500 ही मार दूंगा। अरे तुम जिंदा हो? ठीक है, तुम दोनों को देखने से तो शहर के लगते हो। अच्छा भला शहर छोड़ के जंगल में आ गए? वो क्या हुआ कि रात को? बोलो मत, मैं सब समझ गया, तुम दोनों भाग के आए हो। भाग के आए हो? बकवास मत करो, समझे? तुम रुको। अच्छा भाई साहब, हम लोग अभी है कहाँ? जंगल में। तुम्हें देखते ही हम जान गए कि हम लोग जंगल में हैं। जंगल के सारे रास्ते जानते हो? अरे भाई, जंगल के रास्तों की बात करते हो, मैं तो इस जंगल का शहंशाह हूँ। अजीब इंसान है, जरा रास्ता दिखाओगे? फॉलो मी। तुम्हें इंग्लिश में? शट अप। माय गॉड, टाइम हो गया, माधुरी अभी तक नहीं आई। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, मिनिस्टर के घर पहुँचना है। मैं बस में चली जाऊंगी, माधुरी के आते ही आप लोग साथ में आ जाइएगा। अरे थोड़ा सपोर्ट तो करो। मालकिन, वो देखिए। कहाँ चली गई थी तुम? शुक्र है आ गए। अरे वो लोग आए नहीं, मैं बताता हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं, वो जंगल में बेहोश पड़े थे। कौन हो तुम? अरे कौन क्या हूँ, पान बेचता हूँ। ये बताओ, ये तुम्हारी बेटी है? हाँ। ये तुम्हारा दामाद है?
शट अप, हमारा नौकर है। गबरू जवान है, जब मैं रात को एक क्वार्टर चढ़ा के सो गया, तुम्हें उठ के देखा तो फर्स्ट नाइट की तरह हाथ पे हाथ डाल के, पैर पे पैर डाल के, दोनों लिपटे हुए सो रहे थे। नहीं क्या भाई, बोलो। और उसके बाद? और उसके बाद जो होना था हो गया। ये क्या चीज है भाई, मुझे छोड़ दे। Stop it. What nonsense are you talking? अरे जब ये दोनों लिपट के सो रहे थे, वो गलत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो नॉनसेंस हो गया क्या? मेरा मुंह आकाशवाणी है, जब तक दूसरों को बोलूंगा नहीं चैन नहीं मिलेगा। कहाँ है लोग, लोग कहाँ है, बताऊंगा सबको जाके। ये ले ले, आप भी क्वार्टर हो क्या? मेरे लिए रख ले। अरे दारू पी के मैं बहकूंगा, मैं बहकूंगा। ये क्या सिस्टर, इतना टेंशन में रख दिया, कल सुबह ही निकलने वाली थी ना, क्या हुआ? सच बताए हम या फिर झूठ बताए? तुम पुलिस स्टेशन में और कोर्ट में सच ही बताते हो, फिर शादी के मंडप में झूठ क्यों बोलोगे? बोलो। देखिए, क्या बोलोगी? चलो आइए, चाहे वो बताए या मैं, उसमें छुपाने वाली बात क्या है? रास्ते में एक ब्रिज टूटा और ट्रैफिक जाम हो गया, इसलिए तो कार और गाड़ियां भिजवाई थी मैंने। तुम लोग कहाँ थे? वो अरे मुझसे पूछो ना, मैं बताता हूँ। मम्मी से संभाली। अरे मेरी बात सुन, बेचारे ने पी रखी है। अरे चल चल चल। अरे दारू की बात क्या, मैं बताता हूँ। क्या, क्या बताएगा? अरे सच्चाई बताने दो। क्या बताएगा? अरे वही जंगल में मंगल था, हाथ पे हाथ, पैर पे पैर लिपटे हुए। अगर तू कुछ नहीं बताएगा तो? अरे नहीं बोलूंगा तो फील करेंगे। बोलोगे तो हम भी फील करेंगे ना। अरे तेरी फीलिंग अलग है भाई। जा के एक पैग और मार ले। जा Excuse me, can I have a coconut? To drink this gin now? If possible, get some lime cordials also, okay? क्यों यार? क्यों हंस रहे हो यार? भाई इस पे बारिश गिरने से जैसे निश्चित खड़ी रहती है वैसे ही खड़ा है, लेकिन तुम अंग्रेजी में बोलोगे तो उसे क्या समझ में आएगा? अरे मैं हिंदी बताता हूँ, बोलो बाबू। I understand, sir. You want me to get a coconut? Is that all? So that you can mix it with some gin and swallow it through your dirty little mouths. In spite of this auspicious occasion. क्यों बाबू साइलेंट क्यों हो गए? मुझे अंग्रेजी आती या नहीं ये बड़ी बात नहीं, सामने वाले की कैपेसिटी जानकर ही मुंह से लफ्ज निकालना बड़ी बात है। देखो डिग्री पाकर भी नौकरी नहीं मिली, इसलिए गवर्नमेंट से पंगा लेने वाला हूँ। मुझसे पंगा मत लेना। आई रेस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ लेबर, नॉट मिनिस्टीरियल पावर, ओके? अभी मैंने जो मॉरल पैक तुम्हें दिया है उससे नशा चढ़ गया होगा, कोकोनट की कोई जरूरत नहीं। बाय। आप लोग रात को कहाँ थे? मुझे पूछे ना, मैं बताता हूँ। अरे बोलने दीजिए। अरे कोटा पूरा कर गया क्या? जब दानों खत्म हो गए मैं और लेके देता हूँ, मेरे साथ चल। आके बताता हूँ। तुझे कितनी बार कहा था कि कुछ भी बताना मत? कैसे नहीं बताऊंगा, हाथ पे हाथ डाल के, पैर पे पैर डाल के, जंगल में। अच्छा दारू, मुझे दारू कहाँ से मिली? दारू पीने से सच्चाई बाहर आती है, हाथ पे हाथ डाल के। अरे वहाँ कहाँ जा रहा है, चल बाहर जा, बाहर निकल बाहर। ए रामू चल कोल्ड ड्रिंक लेके आ, जाना। इसी तरह उसे चिढ़ाया था तो मार खाई थी, दोबारा उसे चिढ़ाया तो मंडप में ही मारेगा, संभल कर रहना। हेलो, जानबूझकर तुझे क्यों बुलवाया था जानते हो? तुम मुझे भला क्यों बुलवाओगे? गाड़ी चलाने के लिए हमारे साहब जी हर महीने हमें तनख्वाह देते हैं, इसलिए गाड़ी लेकर आ गया। मेरे बदन पे जो कपड़े हैं वही नहीं, मेरे भेजे में भी कॉस्टली मटेरियल है। आखिर तुझे क्यों बुलवाया था अब बताता हूँ, सच बोलूं या फिर झूठ बोलूं? बोलो। झूठ बोलना असेंबली में बैठने वाले आप जैसों की आदत है, सच उगलवाना बाहर घूमने वाले हम जैसे युवकों की आदत है। पुलिस स्टेशन में जब तुम सेल में थे तो माधुरी अंदर सेल में क्यों आई थी ये न समझने वाला ना समझ मैं नहीं, मैंने आ नहीं पढ़ा, देश की पॉलिटिक्स को पढ़ा है। हाँ अब मेरे बेटे की और माधुरी की शादी की बात अनाउंस करूंगा, तब तुम्हारी शक्ल देखना चाहता। मेरे बेटे के पैर पकड़ने के लिए जब कहा था तो तुम्हारे उस रोष का होश उड़ते देखना चाहता हूँ। ख्वाब देखना बंद कीजिए, तुम सब लोग मेरा नाम अच्छी तरह जानते हो, रामकृष्ण, पूरा नाम है शिव रामकृष्ण। भूल से भी अगर मेरी तीसरी आंख खोल गई तो तुम भस्म हो जाओगे। हाँ
प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब लोग यहां पर केवल आशीर्वाद देने आए मित्र ही नहीं, आप सब मेरे वोटर्स हैं, मेरी भलाई चाहने वाले हैं। इसलिए अपनी बेटी की शादी यहां कर रहा हूं। इस शुभ अवसर पर प्रमुख इंडस्ट्रियलिस्ट विजय चामुंडेश्वरी जी की इकलौती बेटी माधुरी की मेरे बेटे चिरंजीव अशोक कुमार के साथ बहुत जल्द ही शादी करवाने वाला हूं, ये आपको बता रहा हूं। दो दिन घर पर नहीं थी तो सब डिसिप्लिन भूल गए। वो क्या है ना? जिस कलर की साड़ी पहनती हो उसी कलर का मैचिंग ब्लाउज पहनती हो, ये तुम जानती हो ना? फिर इस साड़ी का मैचिंग ब्लाउज कहाँ गया, बोलो। डैड, मम्मी की साड़ी का मैचिंग ब्लाउज नहीं है तो इतना हंगामा कर रही हैं। सुबह पहन के शाम को उतारने वाली साड़ी को जो महत्व देती हैं, मेरे जीवन साथी को चुनने में वो क्या वही महत्व देंगे? डैडी, मुझसे कुछ भी पूछे बिना, मेरे दिल में क्या है ये जाने बिना, सबके सामने मेरी शादी की बात अनाउंस क्यों कर दी? डैडी, मन की भावनाओं को तुम्हारी माँ समझेगी नहीं बेटी। तुम्हारी माँ को तो सिर्फ गहने, गाड़ी, शेर, किटी पार्टी चाहिए। माधुरी, 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 तुम कितनी नसीब वाली हो जानती हो? सीधे मिनिस्टर साहब के घर की बहू बनने वाली हो। तुम्हें देखने के लिए शायद हमें भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अरे, इतनी उदास क्यों हो? शादी जब होती है तो घर मंगलमय होता है, लेकिन मेटल डिटेक्टर रखने की नौबत आ गई हमारे घर में। वैसे तो शादी में शहनाइयां ही बजती हैं, अब तो यहाँ सायरन और स्लोगन का शोर है। मैं अपनी बेटी को प्यार से विदा करना चाहता था, लेकिन उसकी विदाई तो बुलेट प्रूफ कार से हो रही है। आज मुझे मौका मिला है इसलिए बोल रहा हूँ। देखा, मुंह खोलने का चांस दिया तो कितनी बातें कह डाली, इसीलिए तुमसे मुंह बंद रखने को बोलती हूँ। इस लाइन को अंडरलाइन कर लूंगा। ये क्या छोटी मालकिन, हमेशा झरने की तरह खिलखिलाती रहती हैं, आज समुद्र की तरह सीरियस हो गए? मुझे एक लड़के से प्यार है। हाँ, शौक मत दीजिए, किसी से टक्कर मार दूंगा। गाड़ी रोको। मजाक कर रहा था मालकिन। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मंदिर जाना है, गाड़ी रोको। आरती के समय पे आए हो, आरती लो। एक मिनट पंडित जी। रामू, ये हार मुझे पहना दो। ये क्या, आप तो पूरी स्टोरी बदल रही है। देखिए जी, फुटबॉल खेल सकते, गुल्ली डंडा कबड्डी खेल सकते, लेकिन गरीब की जिंदगी से नहीं खेल सकते, कभी नहीं। मैं खेल नहीं रही हूँ, सच बोल रही हूँ। मैंने प्यार किया है सिर्फ तुमसे, और अगर मैं शादी भी करूँगी तो सिर्फ तुमसे। जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगी। ये आरती बुझने से पहले हमें हार बदलने होंगे, नहीं तो क्या करूँगी मुझे नहीं मालूम। लड़की इतना हिम्मत करके कह रही है तो तुम इतना सोचते क्यों हो? पहना दो। अगर यहाँ शादी हो गई तो समझ लो गवाही देने के लिए ना आप आएंगे ना आपके भगवान। आखिरी बार पूछ रही हूँ, हार पहना रहे हो कि नहीं? अरे वो क्या है कि छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, नहीं उतरूंगी। मेरी बात मार कर पहले नीचे उतरिए ना। मैं यहाँ से कूदकर मर जाऊंगी। अरे, इसने टीवी पे एंकरिंग कब से शुरू कर दिया? अरे, मेरा वोट आत्महत्या नहीं कर सकता, अगले इलेक्शन तक अपने वोट को कूदने नहीं दूंगा बेटा। नहीं, मैं अभी कूद जाऊंगी। सरकार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालकिन, मालकिन, छोटी मालकिन टीवी में एक्टिंग कर रही है। मेरी बेटी टीवी में एक्ट कर रही है? हाँ, यकीन नहीं तो देख लीजिए ना। फिर मुझसे शादी करो, कहा तो शादी क्यों नहीं करता? क्यों भाई, शादी करने में क्या तकलीफ है? मैं कैसे शादी करूँ, मैं उनका ड्राइवर हूँ। देखा देखा, इसी तरह से जिद करा, मैं कूद जाऊंगी। कूदना नहीं बेटी, कूदना नहीं। नहीं, 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 नहीं। तो फिर उससे कहिए कि वो मुझसे शादी कर ले। ठीक है, मैं शादी करूँगा। चिल्ला के बोलो, मैं तुमसे शादी करूंगा, नीचे उतरो। दो हार लेके आना, लोगों की गवाही बना के इनकी शादी मैं करा देता हूँ। जूता लेके मारूंगी। तुम कौन हो, सरकारी एजेंट? इसकी माँ हूँ। एक ड्राइवर हमारी बेटी को धोखा देके शादी करना चाहता है और आप लोग उसे सपोर्ट कर रहे हैं? अगर मैंने शादी नहीं की तो तुम्हारी बेटी मर जाएगी। तेरे लिए माधुरी मरने के लिए तैयार है, तू माधुरी के लिए मर सकता है? माधुरी के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी के लिए ये मरने के लिए तैयार है, इसमें कितनी सच्चाई है इसका पता लगाइए।
प्राइवेट में एक बात और पब्लिक में दूसरी बात करने की आदत मुझ में नहीं है। उस दिन तू बच गया रे, आज सर झुका के मार खा ले, नहीं तो मरने तक मारूंगा। अगर पंगा लेना चाह तो केस फाइल कर दूंगा कि पुलिस को मारा है, जेल में मरोगे। माधुरी के प्यार के लिए अगर भगवान ने माथे पे मरना लिखा है तो मर जाऊंगा, दम है तो मारो। इंस्पेक्टर जान ले लो इसकी, इसकी बातों में कितनी सच्चाई है मेरी बेटी भी देख लेगी। शुरू करो। नहीं माधुरी, रामू को मत मारो। मामी प्लीज ऐसे मत करो, I hate you। माधुरी अरे रुकिए, नहीं रामू को मत मारो, मारो से कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। माधुरी का ये आना ठीक नहीं है, ले जाइए। ए, उसको जान से मारोगे क्या? अगर उसे कुछ हुआ तो यहाँ सीधा जनता को लेके असेंबली पहुंच जाऊंगा, सीधी तरह उसे अस्पताल लेके जाओ। हाँ क्यूरी, पब्लिक में मेरी इज्जत उछालने के लिए ही तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, 32 सी तोड़ दूंगी तेरी। हेलो डॉक्टर राव स्पीकिंग। डॉक्टर साहब बोलिए। आपका ड्राइवर रामू चोट खा के अस्पताल में भर्ती हुआ, ट्रीटमेंट करो क्या? ओह अच्छा, एक मिनट, उस रामू को अस्पताल में भर्ती करवाया है, ट्रीटमेंट करूं या नहीं डॉक्टर पूछ रहे हैं। वो मर गया तो मार्चुरी की फीस भी नहीं दूंगी, कह दो। मैडम की बात सुन ली ना तुमने? लीव इट, फोन मत रखना। रख दो। रामू को अगर कुछ हो गया तो क्या होगा जानती है? आखिर क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी की वैन आकर उसकी डेड बॉडी को ले जाएगी, उसी वैन में तुम्हारी बेटी की भी डेड बॉडी जाएगी। क्यूरी मुझे धमका रही है, जॉन से मार दूंगी। जान आप क्या मेरी लेंगी, मैं खुद मरने के लिए तैयार हूँ। I really hate you। लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है, एक ड्राइवर से प्यार करके पागल की तरह कुछ भी बके जा रही है। जामुनी। ये क्या आवाज ऊंची क्यों हो गई? रामू को कुछ हो गया तो हाथ भी ऊंचा होगा। ए, हॉस्पिटल फोन कर। करना। हेलो डॉक्टर राव बोल रहा हूँ। मैं मैथिली ग्रुप ऑफ कंपनीज का चेयरमैन बोल रहा हूँ। चामुंडी श्री के पति? नो, मैं चामुंडी का पति हूँ, चामुंडी मेरे घर में रहती है, मैं उसके घर में नहीं रहता। आपके हॉस्पिटल में जो लड़का है वो हमारा आदमी है, जितना भी पैसा खर्च हो वो मैं दूंगा, अच्छी देखभाल करना, अंडरस्टैंड? अच्छा सर। आप पागल हो गए हैं क्या? शट अप, पागल तू हो गई है, दौलत का पागलपन, शोहरत का पागलपन, उस पागलपन में अंधी होकर इंसानियत को भी भूल गई हो। उसके इलाज की क्या जरूरत है, आफ्टर ऑल हमारे घर का नौकर है। वो केवल नौकर नहीं है, उससे हमारा क्या संबंध? हाँ, संबंध है, आत्मा का संबंध, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ कौन है? बाबूजी। चामुंडेश्वरी क्यों रो रही है बेटी, क्या हुआ? अबे हट। तुमसे नहीं बेटी, सामने वाले को रुलाना चाहिए, हमें नहीं रोना चाहिए। आखिर क्या हुआ बताओ? आपकी नातिन हमारे घर के ड्राइवर से प्यार करती है, आपके दामाद जी ने भी उसे सपोर्ट करके जिंदगी में पहली बार जुबान खोली है। मुट्ठी से मसल दूंगा उस ड्राइवर के बच्चे को, तुम हिम्मत रखो बेटी, तुम उस तरफ फोन रखो, मैं इस तरफ गाड़ी में बैठता हूँ। बेटी क्यों बेटी, माधुरी भाग गई या मर गई? अपने डैडी के साथ हॉस्पिटल गई है उसे देखने के लिए। कौन से हॉस्पिटल में? बोलो, बम डाल के उड़ा दूंगा। अगर एक भी बजा तो समझ लो मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद आ गया है। कहाँ है? एक तो उसके लिए हॉस्पिटल जाके गलती की, ऊपर से घर भी ले आई, अंदर चल रही। मम्मी इसे ले जाके कमरे में बंद कर दो। सुना नहीं, ले जाओ, जाओ। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। तुम्हारे और मेरे बीच कोई झगड़ा नहीं है, जो हाथ नीचे नहीं करेगा उसका हाथ नहीं रहेगा। उस आदमी के तुम पांच बेटे मेरे हाथ की पांच उंगलियों के समान हो। ए!
मुट्ठी से तुझे मसल दूंगा। अपनी इस छोटी उंगली से मैं तुझे चीर के रख दूंगा। गुल्ली डंडा खेलने की उम्र है इस बच्चे की, ये हमें नहीं जानता। खत्म कर दे। उंगली पर लट्टू चलाने वाले का खेल देखना चाहते हो? बचपन में ही उंगली पर पर्वत को उठाकर चमत्कार किया था श्री कृष्ण ने, आज वही चमत्कार मैं दिखाऊंगा। क्यों बे, पैसों के लिए तू यहाँ आया है? हमारी बेटी की सुंदरता को देखकर लूटने आया है या इस जायदाद को देखकर जाल बिछाने आया है? तूने जो हरकत की है उसके लिए हमारी बहन के पांव पकड़ के माफी मांग, नहीं तो देख तेरा ना मैं तेरा क्या करने वाला हूँ। मैं ये देखने नहीं आया हूँ कि तुम क्या करोगे, शुभ मुहूर्त निकलवाने आया हूँ। शुभ मुहूर्त तो निकलेगा तेरी मौत का। यह मौत कैसे आती है? तुम्हारी आंखों में जो डर दिखाई दे रहा है वैसे होती है या गले में अटकी हुई तुम्हारी बातों की तरह होती है? ए, मौत देखना अगर तेरी आखिरी ख्वाहिश है तो तेरी जान लेने के लिए इस तरफ मैं हूँ। तेरी जान बचाने के लिए उस तरफ कौन है बता? मैं हूँ। ये तेरा पोता है? यानी हमसे बदला लेने के लिए तूने बचपन से इसको पाला पोसा है? मैं उसके तिल में बदले की आग जलाता तो अब तक तेरे पेटों में आधे मर चुके होते। उसे मैंने बचपन से प्यार करना सिखाया है। अनुप्राश के दिन उसने कलम नहीं पकड़ा, चाकू पकड़ा था। उसने चाकू पकड़ा तो क्या समझा हमारी धोती खुल जाएगी? धोती नहीं खुलेगी, ये तुम्हारे प्राण ले लेगा। तो इतना मर्ज है तेरा पोता? ये अपनी नातिन से पूछ लो। खामोश, इस चौखट को पार करके मेरी नातिन को ले जाने की मर्दानगी है तुम में? ले जाने के लिए ही तो आए हैं। पांडवों ने 12 साल अरण्यवास और 1 साल अज्ञातवास किया था। मैं और मेरा पोता 13 साल अज्ञातवास कर चुके हैं। वो लोग राज्य के लिए आए थे, मैं रानी के लिए आया हूँ। रानी के लिए राजा आता है न कि तू जैसा नौकर। किस हक से मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो? अनजाने में ना तो मैंने इस घर में कदम रखा है, ना ही अनजाने में मैं माधुरी को लेने आया हूँ। तू क्या ले जाएगा बे? इस साइड से लड़की उस साइड तक आते आते लाशें बिक जाएंगी। तुम सिर्फ साइड्स के बारे में ही जानते हो। मैंने डिसाइड्स करने वाली फैमिली में जन्म लिया है। आज तक तुम्हारे सामने आज्ञाकारी रामू की तरह घूमता रहा, लेकिन सच में मैं दिल में आग को दबा के रखने वाला अग्निपुत्र हूँ। माधुरी सिर्फ मेरी है। अगर किसी ने ना कहा तो गले की नसों को काट के रख दूंगा। अगर किसी ने रोकने की कोशिश की तो जान भी ले सकता हूं। 12 तारीख को एकादशी है, उस दिन आकर सबके सामने शादी करूंगा। सुनो, तुम लोग पुलिस को बुलवा लो या फिर मिलिट्री को बुलवा लो, आंधी की तरह आऊंगा और तूफान की तरह ले जाऊंगा। चलो दादा। शाबाश मेरी बेटी। 12 तारीख को एकादशी के दिन भूलना नहीं, शादी के मुहूर्त का शुभ दिन है। शुभ दिन है। शुभ दिन है। टिकट प्लीज। ये क्या, दो ही टिकट है, तीसरा कहाँ है? मैं और मेरा पोता दो ही तो हैं। मगर उस लड़की ने कहा कि आपके साथ है वो। ये क्या है? सब लोग हम ही को देख रहे हैं, अपनी सीट पे जाकर बैठो। मतलब जो वादा मैंने किया है वो निभा नहीं पाऊंगा, यही समझ रही हो ना? मैं ऐसा कुछ नहीं समझ रही हूँ, मुझे विश्वास है। मेरी बात मानो, मैं ये चेन खींचता हूँ, तुम उतर जाना। खींचने से पहले ही ट्रेन से कूद जाऊंगी। ऐसा मत कहो। मंदिर के ऊपर से कूदने वाली के लिए मूविंग ट्रेन से कूदना कोई बड़ी बात नहीं। आई डोंट लाइक दिस। आई लाइक दिस। तुम्हारा टिकट मैं ले चुका हूँ बेटी, फाइन भर के। ये गाड़ी हर स्टेशन पे रुके बिना सीधा यहाँ पे आके रुकती तो कितना अच्छा होता। Thank you.
आखिरी बार आपसे पूछ रही हूँ, आप आएंगे या नहीं? तुम 1,00,000 बार भी बुलाओगी तो भी नहीं। ओहो छोड़ ना उसे, कुछ लोग बात समझना नहीं चाहते तो क्या करें? दामाद जी बाद में आएंगे, पहले लड़की को ले जाओ। ए, माधुरी को ले जाओ। सुनो, माधुरी को लेके आओ। तुम दोनों हाथ हिलाते हुए आ रही हो, माधुरी कहाँ है? नहीं है। नहीं है, क्या हुआ? कह रही थी रामू के साथ नहीं भेजेंगे तो मर जाऊंगी, इसलिए पीछे के दरवाजे से भेज दिया। ये क्या किया तूने? क्या कर रहे हैं? मार रहे तो बेटी, खानदान की मर्यादा मिट्टी में मिलाने वाले का मरना ही बेहतर है। 13 साल वनवास करके आए थे ना, अब कहाँ ढूंढेंगे उन तीनों का? बोलिए, मैं पता लगाती हूँ। दया करके सब लोग थोड़ी देर चुप रहिए। माधुरी को वो लोग कहाँ ले गए? बनने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पागल बनाकर उस बुड्ढे से हाथ मिलाकर रामू को घर पे लाके रखा है आपने, है ना? ना कहूं तो क्या तुम मानोगी? मुझे जो जवाब चाहिए वो ये नहीं है, माधुरी को वो लोग कहाँ ले गए हैं बताइए। बताऊंगा तो तुम्हारे घर में वापस लाने के लिए कोई मर्द है क्या? जरूर ले आएंगे, बताइए। आप जानते हैं मेरा कैरेक्टर, मैं हार जाऊं इससे अच्छा तो मरना पसंद करूंगी, नहीं बताया तो गोली मार लूंगी, बताइए। वो रामू के घर गई। ए प्रभावती। आ रही हूं। क्या बात है बेटी, दुखी क्यों हो? हैं? कौन है जानती हो? बीमार हो या नहीं? कलेक्टर की बात, कलेक्टर जितना है यहाँ, हम सब है ना, डरने की कोई बात नहीं। तुम खुश रहो बेटी, हम है ना, अंदर जाके आराम करो। रामू, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया? नहीं, जितनी हिम्मत से मैंने हमारी शादी की बात तुम्हारी माँ से की थी, उतनी ही हिम्मत से तुम भी मेरे लिए अपनों को छोड़कर आई हो। आई रियली लाइक यू। एक मिनट, तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आता हूँ, यहीं रहना। मैं रुक्मणी हूँ और तुम माधुरी। बाप रे, बड़ा मुश्किल नाम है तुम्हारा, ऐसा नाम क्यों रखा है? रामू ने कहा था मेरी पसंद की चीज लाएगा, क्या लेकर आएगा? रामू तुम्हें इतना पसंद है, पसंद नहीं होता तो यहाँ तक क्यों आती? कितना पसंद है, पहले इतना, बाद में इतना और अब इतना। शिव शंभू हो कि नहीं? मेरे रामू के लिए मैं स्टेशन गई थी तो रामू के साथ एक छोकरी भी अटक गई, उसे देखने से दिल जल रहा है। तुझे भी गुस्सा आ रहा है ना? तू पहले उसे जाके डस ले, तेरे दांत टूट भी जाए तो कोई परवाह नहीं, मैं दूसरे बनवा दूंगी, बस जाके डस ले। देखो संभल के, हमेशा उस लड़की के साथ मेरा रामू भी रहता है। रामू साथ हो तो उसे मत डसना, वरना मेरा रामू तुझे खत्म कर देगा। ए मोतिया, अभी तक यहीं बैठा है? हमारे जो 15 एकड़ के खेत हैं वहाँ काम का पहाड़ पड़ा है। जा। धन्यवाद बाबू। जो भी बीच में आया तो काट के रख दूंगा। अरे तू क्या काटेगा, सबकी अर्थ निकल जाएगी यहाँ से। प्रभा बेटी। अंदर जाओ, अंदर जाओ। मेरे दादा पर किसी की नजर भी पड़ी तो मैं चुप नहीं रहता, अगर किसी ने उन्हें छूने की कोशिश भी की तो उसके टुकड़े कर दूंगा। मेरी 5 उंगलियां अगर मुट्ठी बन जाए तो जानते हो क्या होगा? Ah!
प्रभा बेटी। मत, नहीं मारूंगा। हे, तुम लोग मेरी माधुरी के मामा हो, हमारी शादी के वक्त आशीर्वाद देने के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। हे, आज मेरे अपने भाइयों को यहां से ले जाओ। फुटले जाओ, सुनो, जब अगली बार आओगे तो कफन साथ लेकर आना, तब चाहे तकदीर साथ ना दे। Get out! सब लोग अच्छी तरह से सिकाई करवा लो। क्यों डॉक्टर, क्या लगा रहे हो? मर्दान की बढ़ाने की अगर कोई दवाई हो तो हमारे पंच पांडवों को दे देना, मेरा भी तो मन जल रहा है अंदर से। पिताजी, इन्हें क्यों डांट रहे हैं? तो क्या इनकी पूजा करूं? हमारी मान मर्यादा को गांव की गली में लुटा के आए हैं ये नामर्द कहीं के। इन्हें मुकुट पहना के जुलूस निकालूं क्या? क्यों बहू, क्या लाई हो? बदलने के लिए कपड़े लाई हूं। अब इन्हें इन कपड़ों की जरूरत नहीं है बहू, तुम लोगों के पेटीकोट और साड़ियां ला के दे दो इन्हें, कल से वो पहन के घूमेंगे। हम अपने कपड़े उन्हें क्यों दे? ये क्या पिताजी, एक बार उसके हाथों से मार खाने से हमारी मर्दानी की चली नहीं गई है? वो हमारे हाथ जरूर आएगा, उसके टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे हम। नहीं बाबूजी, पहले ही वो आपकी हड्डी पसली तोड़ चुका है, उसे पंगा लोगे तो मेरी तरह बन जाओगे। हाँ, अबे चल हट। ये मिनिस्टर इस वक्त क्यों आ रहा है? किसने बुलाया बेटी से? मैंने। क्या जरूरत थी, पहले से हम लोग मुसीबत में है। नमस्कार, आइए। नमस्कार मंत्री जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते। लगता है चोट खूब लगी है। बच्चे ने खूब मरम्मत की है साहब, ऊपर से दिखने में बच्चा है लेकिन अंदर से फुल पावर है उसमें। ये तो तुम्हारा ही किया करा है, मैं तुम्हारे आंगन में हूँ लेकिन सरकार मेरी मुट्ठी में है। जब सत्ता हाथ में है तो हथियार लेने की क्या जरूरत। आई एम सॉरी, मेरे पास एक लीगल पॉइंट है, उससे वार करो। आइए मैडम। कलेक्टर साहब आ रही है। नमस्ते मैडम। नमस्कार, यह रामचंद्र जी कौन है? मैं हूं। मिस्टर शिवराम कृष्णा। मैं हूं। नमस्ते। नमस्कार। तुम दोनों पर किडनैप केस रजिस्टर किया गया है। किसने किया है? मैंने। मेरी बेटी माधुरी नाबालिग है, 12 तारीख की सुबह 10 बजे को ही वो बालिग हो जाएगी। लड़की को धोखे से यहाँ तुम लोग लेकर आए हो, इसलिए तुम पर केस किया है। माधुरी अपनी मर्जी से हमारे घर आई है। आप मुजरिम के फैमिली मेंबर है, आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। नहीं मानेंगे तो कैसे चलेगा, वो खुद हमारे साथ आई थी, नहीं तो जान देने की धमकी दे रही थी। तुम एक्यूज्ड हो, तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। उन्होंने जो भी बोला वो सच है मैडम, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया। माधुरी, डोंट टच मी, आई डोंट लाइक यू। देखा आपने कैसा जादू किया है इन लोगों ने? इसमें जादू वादू की कोई बात नहीं है, मैं खुद आई थी। तुम नाबालिग हो, तुम्हारी गवाही नहीं चलेगी। तो मेरी बात मानेंगे क्या कलेक्टर जी? आप
इस लड़की का बाप हूँ और उस लड़की की माँ का पति। मैं और मेरी बेटी मेरे दोस्त के घर आए हैं, इसमें किसी की जबरदस्ती नहीं है। झूठ है जो वो कहते हैं, उसे आप झूठ कहती हैं। आप जो कहती हैं उसे वो झूठ कह रहे हैं। कलेक्टर साहिबा, इस लड़की पर माँ का जितना हक है उतना पिता का भी है। मेजर होने तक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते मेरे घर पर ही रहेगी। अच्छा, तुम्हें हमारी बेटी को अपने घर में रखकर ख्याल करने की कोई जरूरत नहीं, हम नहीं मानेंगे। सुनिए कलेक्टर साहिबा, ये लोग आपस में रिश्तेदार हैं, अगर माधुरी को यहाँ रखेंगे तो उसका ब्रेन वॉश करके रख देंगे। हमारे साथ भेज दीजिए। मैं नहीं आऊंगी, यहीं पे रहूंगी। ए, कैसे रहेगी? तू नहीं रह सकती। यहाँ रहने से क्या होगा, मैं हूँ ना उसका फादर। माधुरी आपके साथ नहीं, मेरे तो साथ रहेगी। सत्यानाश हो जाएगा। ओके ओके, आपकी बेटी बालिक होने तक गवर्नमेंट कस्टडी में रहेगी। उसके बाद मैडम? उसके बाद वो जिसके पास भी जाना चाहे उसके पास जा सकती है। चलो माधुरी। माधुरी तुम अंदर जाओ। लिसन एवरीबडी, शी इज अंडर गवर्नमेंट कस्टडी टिल 12th ऑफ दिस मंथ। आप में से किसी को भी उससे बात करने की इजाजत नहीं है। जरूरी काम हो तो सीआई बैनर्जी मुझे इन्फॉर्म करेंगे, मैं परमिशन दूंगी तो आप उसे मिल सकते हैं। फूड वगैरह गवर्नमेंट अरेंज करेगी। मिस्टर बैनर्जी। यस मैडम। कहीं भी कोई भी गड़बड़ हुई तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट? ओके मैडम। सर आपका नाम? विजय चामुंडेश्वरी का पति। लोग इन्हें विजय चामुंडेश्वरी के पति के नाम से पहचानते हैं, ऐसे ही बोलो। ससुमा, भगवान हाथ जुड़िए। देखो पंडित जी, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, यहाँ पे सबसे महंगी पूजा कौन सी है? कन्या सूत्र विग्रह, वही ये करा रहे हैं। इस पूजा को इंटरवल काट दे दो, हमारी पूजा शुरू करो। चाहिए तो 1000 रुपया ज्यादा ले लेना। उस तरफ 100 नारियल तोड़ोगे तो इस तरफ 1000 नारियल तोड़ देना। उस तरफ 1,00,000 पुष्पों की पूजा करोगे तो इस तरफ करोड़ों पुष्पों की पूजा करना। अगर नहीं किया तो ये कौन सा मंदिर है? शिवालय बाबूजी। फूक मार दी तो रामालय में गिरोगे। क्या करोगे, कितना खर्च करोगे तुम्हारी मर्जी है। मेरी माधुरी को मन बदल के मेरे पास वापस आना होगा। रुपए फेंकने से बदल जाने के लिए मंदिर में रिश्वत लेने वाले अधिकारी नहीं है मैडम। हम सबका पालन करके हमारी तकदीरें बदलने वाला भगवान है। पंडित जी, आप चाहे जिसके लिए जो भी पूजा करो, हमें इतराज नहीं। माधुरी घर की बहू बनके हमारे घर में कदम रखे, यही हमारी इच्छा है। इम्पॉसिबल। चाहूँ तो अपनी तकदीर बदल कर अपनी माधुरी को अपने साथ ले जाऊँ। क्यों सासुमा बेकार में टेंशन लेके बीपी बढ़ाती हैं? कल सुबह आपकी माधुरी मेरे साथ रहेगी, ये भी पक्का है। और एक साल के अंदर आप नानी बन जाएंगी, ये भी पक्का है। जाकर बच्चे की देखभाल कैसे करते हो प्रैक्टिस कीजिए। जाइए सासुमा। देखभाल करना हमें मत सिखा, तुझे खटमल की तरह मसल के रख दूंगा। अपनी आवाज ऊंची मत कर, आयु कम हो जाएगी। तुम्हारे चिल्लाने से डर के मारे भागने वाला नामर्द नहीं हूं, मर्द हूं, जान ले। अगर इस शिवराम कृष्ण के हाथ का पावर जानना चाहता है तो जिस डॉक्टर ने तेरे बेटे का इलाज किया था उसे पूछिए, बता देगा। ए रामू, तेरा अड्डा इसलिए जोश में होश खो रहा है। नौकर बनके हमारे घर में आकर चोरी से मेरी माधुरी को ले गया और अब तू मुझसे चैलेंज करता है? तू नहीं रे, चैलेंज करने वाली मैं हूँ, जिससे मैं चाहती हूँ। और तूने जो मुहूर्त निकाला है उसी में अपनी माधुरी की शादी करवा के रहूंगी। यस, आई विल डू इट, आई विल डू इट। बेटी, चामुंडी, क्या हुआ बेटी? चामुंडी, क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, अरे खड़े रहो, मुंह क्या देखा? जल्दी जाओ, उसको डॉक्टर को बुलाओ, जाओ जल्दी। चामुंडी, हाथ पकड़ रहा, हाथ जल्दी ले। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो याद रखना, तुम्हारे गाँव पर मैं बिजली बरसा दूंगा। माँ कसम, तुम्हारे पूरे गाँव को शमशान बना कर रख दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे अपनी माँ को देखना है, मुझे भेजिए ना। सॉरी मैडम, कलेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। फोन करके परमिशन ले लीजिए। देखिए मैडम, मैं परमिशन ले नहीं सकता, आई एम वेरी सॉरी। अगर इस बीच मेरी माँ को कुछ हो गया तो मेरी परमिशन मांगने के बावजूद भी आपने नहीं भेजा, ऐसे कलेक्टर से शिकायत कर दूंगी। ये क्या, हमें जो आइडिया आनी चाहिए वो तुम्हें आ रही है। हेलो। नमस्ते मैडम, मैं सीए बनर्जी बोल रहा हूँ। माधुरी की माँ को हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में भर्ती हुई है, ये उनसे मिलना चाहती है। Is it true? Yes, madam. उनके सब रिश्तेदार गए हैं, कह रहे हैं सीरियस हैं। Okay. Full security के साथ उस लड़की को ले जाओ और वापस आते मुझे फोन करके बताना। Okay, madam. नमस्ते madam. चलो चलते हैं।
यहाँ क्यों रोका? सर, तुम्हें किसने मारा था? रामकृष्ण ने। गायब हो गए थे? तुम्हारे लिए हॉस्पिटल में फोन किया था। रास्ते में श्रीराम कृष्ण ने हम पे हमला किया मैडम, हम सब की खूब पिटाई की और माधुरी को ले गया। इज इट, तुम्हारे पास रिवॉल्वर्स है ना? शूटिंग में कहीं माधुरी को ना लग जाए इसलिए हम डर गए थे मैडम। ओह आई सी। डीआईजी साहब, मिस्टर बैनर्जी और इन सब कॉन्स्टेबल्स को सस्पेंड कीजिए। यह अन्याय है मैडम, हम अपनी जान पर खेल कर क्या किया? माधुरी को बचाया? वो नहीं मैडम, श्रीराम कृष्ण ने। शट अप माधुरी। मेरी सासू माँ से क्या मिलेगा? क्या दिल्ली में साइट मिलेगी, या पुणे में फार्म हाउस मिलेगा, या फिर हैदराबाद में प्लॉट? वो कुछ भी नहीं मिलने वाला। 12 तारीख को हमारी शादी है, पेट भर खाना खा के जाइए। इजाजत दीजिए। इतना नाटक अपनी माधुरी के लिए किया था, फिर भी उसे आप लोग यहाँ नहीं ला सके। अरे बाप रे, ओई माँ, जोर से बारिश हो रही है और फिर जवान छोकरा ना जाने क्या करेगा, न जाने क्यों टेंशन में हूँ मालकिन। मेरी माधुरी उसकी जान में फंस गई, कल सुबह न जाने क्या करेगी, ये सोच के मुझे टेंशन होनी चाहिए ना कि तुझे। ये बात नहीं है मालकिन, अभी जब बारिश हो रही थी तो छोटी मालकिन खिड़की पे आई थी, वो रामू एमआरओ ऑफिस के सामने खड़े होकर आपकी नाभि को देख रहा था और मेरा सर लट्टू की तरह घूम रहा था और नाच रहा था, और बिटिया रानी तीछी नजर से देखकर अंदर भाग गई, तब से मुझे टेंशन हो रही कि इतनी स्पीड क्यों। मालकिन थोड़ी देर पहले क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला मालकिन, मैं तो अभी रसोई से आ रहा हूँ, लगता है आपको कुछ ऐसे वैसे ख्याल आ रहे हैं, ये लीजिए गरम गरम कॉफी पी के खुद को ताजा कर लीजिए। देखो माधुरी, अब तुम बालिक हो, तुम्हें अपनी मर्जी से फैसला लेने का हक है, तुम अपनी मर्जी से जिसके पास जाना चाहो जा सकती हो। अपनी माँ के साथ जाऊंगी, मेरी पढ़ाई, मेरी शादी, सब मेरी माँ की मर्जी से ही होगी। माधुरी, मिस्टर शिवराम कृष्ण, या मेरे और माधुरी के अलावा कोई और बात नहीं कर सकता। बात करने वाली माधुरी नहीं है, आप ही हैं, आप ही ने बुलवाया है, बोलिए कितनी में बिक गई है। माइंड योर लैंग्वेज, मेरी बेटी मेरे पास आ रही तो तुम्हें क्यों दुख हो रहा है? हे चामुंडेश्वरी सासू माँ, झूठ मूठ का हार्ट अटैक नहीं होगा, मुझसे अगर पंगा लोगी सचमुच का हार्ट अटैक हो जाएगा, समझी? सावधान, पिछली बार तुम्हारे हाथ तोड़े थे, अब की बार गर्दन मरोड़ के रख दूंगा। कलेक्टर साहिबा, आपने इसकी बातें सुनी? लगता है इसे जेल का खाना खाने की खुजली हो रही है, भेज दीजिए। मैडम, मैटर डिसाइड हो गया है, इसलिए माधुरी से स्टेटमेंट लेकर हमारे साथ भेज देंगी तो गड़बड़ नहीं होगा। यस सर, स्टेटमेंट ले लो। कलेक्टर साहिबा, मुझे माधुरी से थोड़ी बातें करनी है। बेशक कीजिए। थैंक यू। बेटी माधुरी, उस दिन तुम जानबूझकर हमारे साथ ट्रेन में आ गई, आज हमें ठुकराकर तुम चली आ रही हो, उस दिन तुम क्यों आ रही हो यह नहीं पूछा, आज तुम क्यों हमें छोड़ के जा रही हो मैं नहीं पूछ रहा हूं बेटी। दादाजी, देखो बेटी,
मेरी आंखों में देख के बोलने के लिए अगर मन न करे तो उसके दिल में देख के बोलो बेटी। हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, अपनी माँ के साथ चली जाओगी? चली जाऊंगी। कलेक्टर साहिबा, 12 तारीख को एकादशी है, उस दिन मिनिस्टर साहब के बेटे से मेरी बेटी की शादी है, आप जरूर आइएगा। जी अच्छा, चल बेटी। परमेश्वर साहब जी, अगर आप भी चलेंगे तो अपने दामाद के पांव धो सकते हैं। दादी, ये क्या दादाजी, आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, रो नहीं रहा हूं। नहीं दादाजी, दिल की बात आप मुझे बेशक ना बताएं, लेकिन आंखें मुझे बता रही हैं। जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। आपकी आंखों में आंसू आए तो उनकी जान ले लूंगा, जान ले लूंगा मैं। रमो बेटा, तुम्हारा जोश मैं जानता हूं, इसीलिए माधुरी को बदले की आग से नहीं प्यार से जीतने को कहा था। मना किया तो भी पीछे आने वाली नहीं, आज ऐसा क्यों किया यही सोच रहा था बेटा, यही सोच रहा था। अगर कहती कि तुम्हारे साथ रहूंगी तो अकेला पूरी दुनिया से लड़कर उसे आपके सामने लाके खड़ा करता। कहती थी प्यार के लिए मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन लेकिन अब मां के साथ चली गई, चली गई, चली गई, चली गई, छोड़ के चली गई। जो वादा नहीं निभा सकते वैसे लोगों के लिए हम क्यों दुखी हुए दादाजी? नो, आप दुखी मत होइए, कोई दुखी नहीं होगा। बाबूजी, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा दूध ले लीजिए। नहीं बहू, ले जाओ। दादाजी, मेरे आंसू पोंछ के तू यहां माधुरी को अपनी बहू बनाने की मेरे माता पिता की इच्छा थी ना? मेरी शादी नहीं होगी ये सोच के, स्वर्ग में वो दोनों कैसे होंगी ये सोच के आंसू आ गए दादाजी। दादाजी कहा था ना पैसे दूंगी, ले लू। रहने दो बेटी, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है ये मैं नहीं जानती थी। थोड़ा सा चावल दे दो, उसमें हल्दी मिलाकर उसी का अक्षत बना के आशीर्वाद दूंगी। मैं माधुरी से मिली थी, ये बात किसी को मत बोलना। बाप रे, नहीं बताऊंगी। क्या तुम मैथिली से मिलने गई थी? कब गई थी? तुझसे पूछ रहा हूं मैं, गई थी या नहीं? गई थी। कब गई थी? क्या हुआ वहां? मैं तुझसे पूछ रहा हूं, हमें बताए बिना वहां क्यों गई थी? क्या बात है, क्या हुआ? बाबूजी, मैथिली से मिलने गई थी, क्या हुआ पूछा तो बता नहीं रही है। तुम माधुरी से मिलने गई थी? तुझसे ही पूछ रहे, बता। उसका मुंह क्या देख रही है? क्यों नहीं, तू जानती है क्या उससे लेके कहां गई थी? नहीं तो तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा, बता। रुको रुको, क्यों पार्वती, तू घर घर जाके ज्योतिष बताती है, सच बता दे, बता। काली माँ की कसम खा के बोलती हूँ, दुर्गा माँ की कसम खा के बोलती हूँ, संतोषी माता की कसम खा के बोलती हूँ, भोली भाली हमारी रुक्मणी बेटी, अपने रामू को तन मन देकर प्यार कर बैठी, बड़ी मिन्नतें मांगी थी, पूजा पाठ करवाया था, बेचारी को न जाने किसकी नजर लगी, भगवान जाने अचानक न जाने कहां से एक सौता ना टपकी, देर की तो रामू हाथ से निकल जाएगा। अपने मन की बात बता दे बेटी, उसे समझा बुझा कर सब ठीक कर दूंगी। मैं आज तक कोई शर्त नहीं आ रही, रंगोली रचियो तो मैं ही फर्स्ट, गुड्डे गुड्डी का खेलो तो मैं ही फर्स्ट, सांप सीढ़ी के खेल में सांप डसे बिना कितनी बार सीढ़ी चढ़ गई थी। ये सब मुझसे क्यों बोल रही हो? मेरे रामू को तुम 6 महीने से जानती हो, लेकिन मैं
पिछले 13 सालों से जानती हूँ। मेरे रामू में ही मेरी जान फंसी है। पूरे गांव में हमारी शादी की चर्चा है। सब लोग मुझे रामू की होने वाली कह के चिढ़ाते रहते हैं। जब इसे पता चला कि रामू से इसकी शादी नहीं होगी तो कनेर के फल तोड़कर लाई। तुम शहर में पली बड़ी हो, तुम नहीं जानती हो। कनेर कनेर को पीस के खाने से मर जाते हैं बेटी। रो मत, ये शर्त भी तुम ही जीतोगे। तुम्हारा रामू तुम्हें ही मिलेगा। सच कसम से तुम कितनी अच्छी हो। अरे रे, ए, कहाँ जा रही हो? तुम्हें डसने के लिए मैं शिव शंभू से कह के आई थी। जल्दबाजी में आज रात को ही आके डसना ले। जाके माधुरी हमारी अपनी ही है, उसे मत डसना ऐसा कह दूंगी। काकी माँ, मैंने या तुम्हारी माँ ने कभी कहा था कि तुम्हारी रामू से शादी कराएंगे? नहीं। दादाजी ने बोला था? नहीं। या फिर रामू ने बोला था? नहीं। फिर क्यों गई थी? बंदो। देखिए ना बाबूजी, इसी की वजह से माधुरी उनके साथ के बीच क्या रिश्ता है ये लड़की जाने तब ना। इधर आओ। वो मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है। रामू के माता पिता, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी जानती हो बेटी? दादाजी दादाजी, हाँ? पूजा खत्म होने तक खाना नहीं खा सकते? क्यों बेटे? बड़ी भूख लग रही है दादाजी। थोड़ी देर में श्री रामचंद्र और सीता माई की शादी हो जाएगी, उसके बाद सब मिलके बढ़िया खाना खाएंगे। क्या है? क्या रामू? माँ, पूजा खत्म होने तक हम कुछ नहीं खा सकते हैं। यहीं पर बैठो, हम माँ पिताजी की तरह पूजा करते हैं। मगर मेरे गले में मंगलसूत्र नहीं है ना। माँ माँ, मुझे भी ऐसा ही मंगलसूत्र दो ना, माधुरी के गले में डाल के पूजा करूंगा। मैंने जिस तरह इस मंगलसूत्र को पहनाकर तुम्हारी माँ से शादी की थी, उसी तरह तुम माधुरी से शादी करोगे तो तुम दोनों मिलकर पूजा कर सकोगे। शर्म नहीं आती? बेवकूफ कहीं की, वो शैतान इस तरह पहना रहा है और तू आंखें फाड़ के क्या देख रही है? निकाल दे। क्यों रे, मुझ पे हाथ उठाता है? हाँ चामुंडेश्वरी, ये उसका किया काम नहीं है बेटी। श्री रामचंद्र जी ने उससे ये काम करवाया है। सीता माँ के गले में रहने वाला पवित्र मंगलसूत्र बिटिया के गले में आ गया। क्या मतलब है? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे माधुरी इसकी पत्नी बन गई हो। बहन जी, जब ये दोनों पैदा हुए तभी इनका रिश्ता जुड़ गया था, आज तो भगवान के सामने रस्म अदा हो गई। बंद करो ये बकवास। नीचे तोड़ने वाले नारी को अगर सर पे तोड़ोगे तो सर फट जाएगा। पंडित जी, बच्ची के गले से मंगलसूत्र निकाल के। पशुपति जी, औरत के गले में जो मंगलसूत्र होता है उसे एक ही बार निकालते हैं, आपको पता है ना? इतनी पवित्र जगह पर ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए। तुम लोग अशुभ शुभ की बातें कर रहे हो, हमारी बेटी के भविष्य के बारे में सोचा तुमने? सबका भविष्य अच्छा हो यही इच्छा है हमारी, उसके लिए क्या करें बोलिए। और क्या, कल जब ये लड़का बड़ा होगा तो पैर की धूल झाड़ने की तरह हमारी बेटी को भी झाड़ देगा, तो इसका क्या होगा? इसीलिए ये जो भी हुआ वो सब भगवान को साक्षी मान के हुआ है, ऐसा आप लोग जो बोल रहे हैं ना, इसी कारण अपनी सारी जायदाद हमारी बेटी के नाम कर देंगे, तब हम सोचेंगे कि उसने जो मंगलसूत्र पहना है वो कच्चा है या पक्का है। यानी तुम्हें रिश्तों से भी ज्यादा जायदाद बहुत प्यारी है। सुनिए, हमारा सब कुछ हमारा बेटा है, माधुरी ही हमारे घर की बहू बनेगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए? बाबूजी, ये मंगलसूत्र सदा इसके गले में रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे। जो आप कहें वही हम लोग करेंगे। ये क्या पिताजी, वो लोग वहाँ पे इतना बड़ा नाटक कर रहे हैं, दो कमर हाथ मिल जाने से क्या हम करोड़पति बन जाएंगे? अरे कुछ भी कहो, इतना सा बच्चा बहन पे हाथ उठाया, मेरी तो जान ही चली गई। ये क्या पिताजी, कुछ बोलते क्यों नहीं? जरूर बोलूंगा,
मैंने 5 बेटों को पैदा किया है, फिर भी मुझे ही सोचना पड़ रहा है। अच्छा, आज रात को रथ कितने बजे निकलने वाला है? क्यों, नारियल मंगवाना है पिताजी? आज रात को नारियल नहीं फटेंगे बेटे, सर फटेंगे। बाबूजी, मेरे रामू की शादी माधुरी से। बेचारे रथ खींच रहे थे, लेकिन इस बीच भगवान ने इनकी जान खींच ली। इसे क्यों खींच रहे? कौन ने मारा? मेरा बेटा। सुन रामचंद्र राव, अपनी जिद से तूने जो शादी करवाई है उसकी वजह से मेरा भाई मर गया, इसके माता पिता भी मर गए, इसीलिए भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, मैंने लॉयर से बात की है, हम आपको जल्दी छुड़वा लेंगे। आंखों के सामने बेटा और बहू मर गए थे सेलिया, मैंने इससे बड़ी सजा क्या होगी? कुल का सिर्फ एक ही एक दीपक है, इसके भविष्य की ही मुझे चिंता है। दुखी मत होइए, इनसे दूर ले जाकर इसका पालन पोषण करने के लिए मैं भाई साहब से कह दूंगा। हाँ बाबूजी, वो मेरे पास ही पलेगा। अब मैं खुश हूँ। इसका क्या करूं दादाजी? जब तुमने माधुरी के गले में पहना है तब तुमने 7 फेरे नहीं लिए थे, जब तक तुम दोनों 7 फेरे नहीं लोगे ये मेरे पास ही रहेगा। मेरे साथ जो भी अन्याय करेगा उसे डसने के लिए शिव शंभु से कहती थी, लेकिन अब तुम दोनों को अलग किया है इसलिए मुझे डसने के लिए कहूंगी। मेरे प्यार की खातिर जान तक देने के लिए तैयार हो यह मैं नहीं जानता था रुक्मिणी, इस जन्म में माँ बाप की इच्छा पूरी करने वाला बेटा ही बना रहूंगा, अगर अगला जन्म हुआ तो तुमसे शादी करने के लिए उस भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा। क्यों रे, एक तरफ शादी का टाइम हो रहा है और दूसरी तरफ तो रास्ता क्यों नाप रहा है? मैंने सोचा कुछ होने वाला है लेकिन कुछ हुआ नहीं इसलिए घूम रहा हूँ। अरे वही, वो अभी तक आए नहीं इसलिए राह देख रहा हूँ। वो कौन, पंडित जी क्या? अरे नहीं, हाँ। शिवराम कृष्ण। वो क्यों रे, आखिर बात क्या है? भाइयों की खूब पिटाई की, मुझे छोड़ के गया यही सोच रहे हो ना? बड़े बाबूजी ऐसे नहीं सोच रहे हैं जी, वो लौंडा गणेश जी के चूहे की तरह है, किसी भी बिल से निकल के छोटी मालकिन को लेके जाएगा सोच रहे हैं। तुझे क्या लेना देना, अपना पान बना जा। अच्छा जी। बेडरूम का राज पहले नौकरों को बाद में दूसरों को पता चलता है, इसकी बातें सुन के मुझे कुछ शक हो रहा है, संभल के रहना अच्छा है बेटा, हमारे गाँव में आने के जितने भी रास्ते हैं वह हमारे लोगों को रख दो। बेटी माधुरी, अब थोड़ी ही देर में तुम्हारा सरनेम बदल जाएगा। नाम बदलने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, अगर नहीं बताऊंगा तो मैं एक पापी कहलाऊंगा। बचपन में ही तुम्हारी शादी रामू से हो गई थी बेटी। एक बार मंगलसूत्र पहनने के बाद
दूसरा मंगलसूत्र नहीं पहनते। तुम्हारी माँ ने हार्ट अटैक का नाटक किया था, लेकिन मुझे सचमुच हो जाएगा बेटी। सब क्या हो रहा है? दादा को इज्जत देता हूं, तुम मेरा दादा नहीं हो, फिर भी उम्र में दादा जैसे हो। वहां अंदर माधुरी की जान खतरे में, हट जाओ। तुम्हारा साथ छोड़कर मैथिली मेरे साथ आई थी, उसे मरने की क्या जरूरत? वापस चला जा यहां से। देखो, माधुरी को अगर कुछ हो गया तो यहां एक एक को काट के रख दूंगा। मुझे जाने दो। सुना नहीं? जाने दो।
देखो मेरी बेटी को क्या हो ठहरो। देश भर में इसकी और मेरे बेटे की शादी है ये कहकर मैंने निमंत्रण पत्र बंटवाए हैं। महान जुलूस की तरह लोग शामिल हो रहे हैं। उनके सामने इज्जत जाने से अच्छा है ये मर गई कह के सहानुभूति प्राप्त करना। ये मरेगी तो इसकी लाश से मेरे बेटे के हाथों मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तेरे हवाले नहीं करूंगा। hey! अपना सर उठाओगे तो तुम्हें आसमान दिखाई देगा, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार मेरे माता पिता दिखाई देते हैं। पीछे हटो। माधुरी को जीने दो, आपके पांव पड़ती हूँ। तुम्हें कहा था ना एक दिन बेटी, इज्जत जाने से अच्छा है कि अपनी जान चली जाए। जाने दो, मरने दो, तुम्हें क्या। जो भी तुम दोनों के बीच में आए उन्हें जान से मार दो, वो चाहे मेरा बाप ही क्यों ना हो या भाई क्यों ना हो, उन्हें जान से मार दो। अपनी माधुरी को बचा लो। डॉक्टर, नथिंग टू वरी, शी इज ऑल राइट, आप लोग मिल सकते हैं। थैंक यू। माधुरी, बेटी माधुरी, बेटी, दादाजी, मुझे नहीं बेटी, ऊपर स्वर्ग में जो मेरा बेटा और बहू है उनके आशीर्वाद से ही आज तू बच गई। रामू, जानते हो आज 12 तारीख है, सोमवार एकादशी, इसे पहना दो। रामू, सर पे सेहरा बांधे बिना दूल्हा कैसे बनोगे? आशीर्वाद देने के लिए तुमसे छोटी हूँ, पर सेहरा बांधने के लिए बड़ी बन जाऊंगी। एकादशी का समय निकलने से पहले ही पहना दोगे। आज के बाद तुम मेरी पत्नी कहलाओगी ना? मैं शरारती रामू की सास कहलाऊंगी।